अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरे पर मौजूद रुएं और फालतू बालों को खत्म करने की एक ऐसी हेयर रिमूविंग होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसके सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही आपके चेहरे पर मौजूद फालतू बाल 20% तक खत्म हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो चेहरे पर मौजूद रुआं और गैर जरूरी बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग रेमेडी के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। इस हेयर रिमूविंग होम रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली लेकर इसमें आधे चम्मच के बराबर खालिश बेसन डालें। बेसन खालिश होना चाहिए, बेसन स्किन को साफ शफाफ बनाता है, ये चेहरे पर मौजूद फालतू रुएं और बालों को खत्म करता है। अब आप ये करें कि इसमें आप एक पूरे लीमू का रस निचोड़ दें, एक लीमू को दो हिस्सों में काट लें और दोनों हिस्सों का रस आप इसमें निचोड़ें, यानी आपने लीमू का फ्रेश रस लेना है। ये मैं लीमू का रस इसमें डाल रही हूं। लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड चेहरे पर मौजूद फालतू बालों की जड़ों को कमजोर करके उनको हमेशा के लिए खत्म कर देता है और लीमू चेहरे पर निखार भी लाता है। अब नेक्स्ट आप इसमें डालें एक चम्मच चीनी पाउडर। चीनी को आप ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बन जाएगा। चीनी से वैक्स तैयार की जाती है जो चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बाल खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आप इसमें डालें आधा चम्मच शहद। अगर आपके पास खालिस शहद मौजूद हो तो बेस्ट है, वही यूज करें, वरना किसी अच्छी कंपनी का शहद भी यूज किया जा सकता है। ये आधे चम्मच के बराबर शहद मैं प्याली में डाल रही हूं। शहद का शुमार भी नेचुरल हेयर रिमूविंग इंग्रेडिएंट्स में होता है। ये चेहरे के रुएं को खत्म करता है, चेहरे पर निखार लाता है। अब आप चम्मच की मदद से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। खूब अच्छी आपने मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। ये देखें, हमारी बेस्ट हेयर रिमूविंग होम रेमेडी अब तैयार है। ये थिक पेस्ट बन गया है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको ये यूज करने से। इसको यूज करने का तरीका यह है कि ये पेस्ट आप अपने चेहरे पर उंगली की मदद से लगाएं, मसाज नहीं करना है। आप इसको बालों के मुखालिफ सिम्ट में लगाएं, फिर तकरीबन 20 मिनट बाद आप इसे रगड़ रगड़ कर उतार दें। फिर आप अपना चेहरा सादा पानी से वॉश कर लें, आपके चेहरे पर मौजूद रुआं बिल्कुल साफ हो जाएगा और फालतू बाल भी किसी हद तक कम हो जाएंगे। इस रेमेडी को आप हफ्ते में दो बार जरूर यूज किया करें। सिर्फ 1 से 1.5 माह में ही आपका चेहरा इन फालतू बालों से हमेशा के लिए पाक साफ हो जाएगा और आपका कलर भी बहुत फेयर हो जाएगा। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये रेमेडी यूज करके अपने चेहरे के फालतू बालों को खत्म कर सकें, अपने हुस्न में निखार पैदा कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।